अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। सो जैसा कि आपके साथ मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि पिंपल्स कितने टाइप्स के होते हैं, और सेकंड मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे हमें पिंपल हो जाता है, और थर्ड आपके साथ मैंने शेयर किया था कि पिंपल्स से प्रिकॉशन पिंपल्स से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ उसकी रेमेडी पिंपल्स से कैसे छुटकारा पा सकते हैं इसकी रेमेडीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज मैं आपके साथ वही रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम पा सकते हैं पिंपल्स से छुटकारा काफ़ी इजीली तरीके से। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करूँगी डिफरेंट टाइप्स की, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी जिसे आप अपने लाइफ में यूज़ करके काफ़ी इजीली पा सकते हैं पिंपल्स से छुटकारा। ये ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कैसे पा सकते हैं हम पिंपल्स से छुटकारा। अगर आपको पिंपल हो गया है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को कर दे लाइक। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके साथ 2 से 3 तरीके शेयर करूँगी कैसे आप पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं। सो आपके घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स होगा आप उसका यूज़ करके इजीली पा सकते हैं पिंपल्स से छुटकारा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट तरीके से। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर, मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है, और देन मैंने उसमें ऐड किया है हनी थोड़ा सा, और इसे अब हम हमारे फेस पे अच्छी तरीके से लगाएंगे। आप उस पार्ट में स्पेशल लगाएं जहाँ पे आपको है पिंपल्स के दाग या धब्बे। अगर मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो फर्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिनेमन पाउडर। सो सिनेमन पाउडर में रहता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, सो ये आपके फेस से पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर आपके फेस में है पिंपल्स या फिर कुछ भी ऐसे जिद्दी दाग या धब्बे तो काफ़ी ईजिली आप दालचीनी से पा सकते हैं इससे छुटकारा। सेकेंडली यहाँ पे यूज़ किया है हनी। सो हनी में भी होता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, तो ये भी आपके फेस से पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी सही प्रोडक्ट है। प्लस हनी से आप अपने स्किन को बना सकते हैं काफ़ी ग्लोइंग, और इसमें इसके साथ साथ होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट्स, सो आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज बनाने रखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। इस फेस पैक को हमें 10 से 15 मिनट्स हमारे फेस पर अप्लाई करके रखना है, देन मैं नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करूँगी और आपको दिखाऊँगी मेरे आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छी तरीके से सूख चुका है, अब मैं आती हूँ फेस वॉश करके। सूख चुका है अच्छी तरीके से वॉश, और आपको हल्का सा ग्लोइंग भी लग रहा होगा मेरे स्किन। आप इस फेस पैक को अप्लाई करेंगे सो मे भी आपको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, सो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं क्योंकि है ये नेचुरल पूरी तरीके से, सो आपकी स्किन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। और अगर आपको ज़्यादा ही बर्निंग सेंसेशन हो रहा है सो प्लीज़ आप एक बार पैच टेस्ट कर ले, देन आप इसे अप्लाई करें। और इसके अलावा मैं 2 और भी फेस पैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये आपके लिए अनबेनिफिशियल है तो। अब देखते हैं सेकेंड तरीका कि कैसे हम पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं। मैंने फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया है एलोवेरा जेल, मैंने घर का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आप चाहें तो पतंजलि का या फिर बाओसाइंस का भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते। सो पुदीना का पत्ता भी काफ़ी अच्छा है आपके स्किन के लिए, ये आपके स्किन में जहाँ जहाँ पे पिंपल हैं वहाँ पे हो जाता है हल्का सा हीट। मिंट आपके स्किन को हल्का सा ठंडा फीलिंग देगा जिससे आपकी स्किन से काफ़ी इजीली पिंपल्स के दाग या धब्बे और प्लस पिंपल से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको पता ही है कि पिंपल होता है हीट के कारण, बॉडी में जब हीट हो जाती है तभी होता है पिंपल। सो मिंट में होती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उस एरिया को देती है ठंडकता जिससे उस एरिया में काफ़ी इजीली हीलिंग होता है और आपको मिल जाता है इजीली पिंपल से छुटकारा। पैक को भी आपको 10 से 15 मिनट्स अप्लाई करके रखना है, देन कर लेना इसे नॉर्मल वाटर से वॉश। फेस पैक अच्छी तरीके से सूख चुका है, अब आप इस फेस पैक को इन दोनों फेस पैक को लगातार अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। आप अल्टरनेट डे में ना करें, आप इसे डे बाय डे करें जिससे काफ़ी इजीली आपको जल्द ही पिंपल से छुटकारा मिल जाएगा। अब जंप करते हैं हमारे थर्ड टेक्निक में, मैं कैसे करती हूँ पिंपल से छुटकारा। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किया है नॉर्मल आटे यानी कि व्हीट जम का। सो व्हीट जम आपके स्किन को रिपेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा, आपके स्किन से कोलेजन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने इस फेस पैक में यूज़ किया है टोमेटो के रस का, टोमेटो पल्प का, जो टोमेटो पल्प भी आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है।
इसी तरीके से ये फेस पैक भी आपके स्किन से पिंपल के दाग धब्बे हटाने में काफ़ी हेल्पफुल है। सो आप इन तीनों फेस पैक को लगातार एक वीक तक यूज़ करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपके स्किन से पिंपल्स के दाग चले जाएंगे, पिंपल्स हो जाएगा अच्छी तरीके से गायब और आपको काफ़ी इजीली मिल जाएगा पिंपल से छुटकारा। सो इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स एक बार और बताना चाहूँगी। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वीट जम का। सो वीट जम आपके फेस से ऑयल को खींचने के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपकी स्किन है ऑयली तभी आपको पिंपल्स होंगे, सो वीट जम आपके स्किन से ऑयल को खींच लेगा जिससे आपको पिंपल्स से छुटकारा काफ़ी ईजिली मिलेगा। इसके अलावा टोमेटो मैंने यूज़ किया है। सो टोमेटो में होता है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, सो अगर आपको हो गया है पिंपल्स के दाग या धब्बे सो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद जब मेरा फेस पैक अच्छी तरीके से सूख जाएगा। 10 मिनट हो चुका है मेरे फेस पैक को, अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया अपने फेस को। अब मैं कर रही हूँ पैट ड्राई। जस्ट वन वॉश में ही आप आफ्टर और बिफोर इफेक्ट देख सकते हैं। मेरे नोज पे है पिंपल जिसके दाग अच्छी तरीके से जा चुके हैं वन वॉश में ही। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप भी इस फेस पैक को लगातार वन वीक यूज़ करें अपने फेस में। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप इससे पहले जो वीडियो मैंने शेयर किया है आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उस वीडियो को देखिए जिससे आपको काफ़ी इजीली पता चलेगा कि आपको पिंपल्स क्यों हो रहे हैं और आप ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे आपको पिंपल्स हो रहे हैं। सो आप उन गलतियों को करें स्कीप और काफ़ी इजीली तरीके से आप छुटकारा पा जाएंगे, आपको पिंपल्स होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाएंगी। इतना सा ही था मेरा पिंपल्स के ऊपर वीडियो। मैंने 2 वीडियोज़ लगातार आपको पिंपल्स के ऊपर ही शेयर किए क्योंकि ये थी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पिंपल्स से रिलेटेड वीडियो बनाओ। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपको चाहिए एक क्रिस्टल क्लियर स्किन, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर स्किन वही होती है जिसमें पिंपल्स के दाग नहीं होते, जिसमें एक्ने स्पॉट नहीं होते, जिसमें एक्ने नहीं होते हैं। प्लीज़ इस रेमेडी को ट्राई करें एंड इस वीडियो से पहले मैंने जो आपको वीडियो शेयर किया है उसे भी देखिए और उसे भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। आपको काफ़ी ईजी तरीके से पिंपल्स से छुटकारा मिल जाएगा और पिंपल्स होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाएंगी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको जरा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ करें इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर करें अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली तक। आपका सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। इतना सा ही था बस मेरा वीडियो, अगर आपको जरा सा पसंद आया तो लव यू ऑल, बाय।